कन्नौज अपने घर में भी घोषणा करनी पड़ेगी, और ये हमारे साथी हैं बचपन के, इन्हें फोटो दिखाना हसीब की। ये तमाम साथी हैं जो बचपन से जानते, और आप साहब बताओ किस बचपन से जानते हो हमें, शुरुआत से जब आप पापा जी के चुनाव में। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग कोई काम नहीं कर पाए, इनसे बताइए कि सड़क कहाँ बनाई, पुल कहाँ बनाया, मेडिकल कॉलेज क्या बनाया, या और किस तरह किया, बिजली का कोई इंतजाम किया हो। ये केवल छापा मार रहे हैं, समाजवादियों का गांव देख लेते हैं, समाजवादियों का घर देख ले तो बिजली का छापा मार रहे हैं। असली बिजली की चोरी बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वालों के छापा ही नहीं, जमीन कब्जा कर रहे हैं बीजेपी वाले, उनके यहाँ कोई छापा नहीं, पुलिस छापा मार रही कि समाजवादी पार्टी का कौन है। तो जहाँ तक कन्नौज का सवाल है, कन्नौज की जनता समाजवादियों को सबसे ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीता। किस संबंध में ऐसा इधर आना हुआ था? नहीं नहीं, मैं अपने एक बहुत पुराने कार्यकर्ता मोहसिन, उनसे मैं मिलने आया था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कैंसर है उनको, कई कीमोथेरेपी हो चुकी है उनके ऊपर। यहीं पर अगर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का और कैंसर का अस्पताल बन गया होता तो शायद ये हमें दिक्कतें नहीं आती और उनका इलाज यहीं हो जाता। बम्बई में टाटा में इलाज कराया, लखनऊ में इलाज करा रहे हैं, उन्हें मैं देखने उनका हालचाल लेने आया था। अच्छा, कल वो ये कहा, असीम मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने हार के डर से अभी तक घोषणा नहीं की कन्नौज जिले। कन्नौज अपने घर में भी घोषणा करनी पड़ेगी, और ये हमारे साथी हैं बचपन के, इन्हें फोटो दिखाना हसीब की। ये तमाम साथी हैं जो बचपन से जानते, और आप साहब बताओ किस बचपन से जानते हो हमें, शुरुआत से जब आप पापा जी के चुनाव में। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग कोई काम नहीं कर पाए, इनसे बताइए कि सड़क कहाँ बनाई, पुल कहाँ बनाया, मेडिकल कॉलेज क्या बनाया, या और किस तरह किया, बिजली का कोई इंतजाम किया हो। ये केवल छापा मार रहे हैं, समाजवादियों का गांव देख लेते हैं, समाजवादियों का घर देख ले तो बिजली का छापा मार रहे हैं। असली बिजली की चोरी बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वालों के छापा ही नहीं, जमीन कब्जा कर रहे हैं बीजेपी वाले, उनके यहाँ कोई छापा नहीं, पुलिस छापा मार रही कि समाजवादी पार्टी का कौन है। तो जहाँ तक कन्नौज का सवाल है, कन्नौज की जनता समाजवादियों को सबसे ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीता। बेटी और ये हमारी अच्छा बधाई।